मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज ही गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर में किसी समय सीएम योगी गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा और गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और दिल्ली में आज शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यानी कि सीईसी की बैठक होगी और यूपी की बाकी सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर यहां मंथन किया जाएगा। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन का आज चौथा दिन है। तीसरे दिन चार उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। नगीना से दो, मुरादाबाद से एक और रामपुर से एक उम्मीदवार ने नामांकन भरा। नगीना से एसपी प्रत्याशी मनोज कुमार और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने नामांकन किया। यूपी की आठ लोकसभा सीटों पर 20 से 27 मार्च तक नामांकन भरा जाएगा। पहले चरण में चुनाव से जुड़ी आठ सीटों पर 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। पहले चरण के चुनाव में 30 मार्च तक नाम वापसी हो सकेगी। पहले चरण में यूपी की आठ सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए तीन सीटों पर समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। ददरौल से अवधेश कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि ज्ञानसड़ी से राकेश यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। दुद्धी से विजय सिंह गोंड को उम्मीदवार बनाया गया। विधानसभा उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होने हैं, ऐसे में लखनऊ पूर्व, ददरौल, ज्ञानसड़ी और दुद्धी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इटावा लोकसभा सीट पर बीएसपी ने प्रत्याशी उतार दिया है। सारिका सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया है। आरएलडी से सांसद रह चुकी हैं सारिका सिंह। तो इटावा लोकसभा सीट जहां पर बसपा की तरफ से अपना उम्मीदवार तय कर लिया गया है, आरएलडी से सांसद रह चुकी सारिका सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मऊ में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। एक वीडियो में ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सेट कर लिया है और सपा के गले की फांस बना दिए हैं। ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो केंद्र की सरकार में मंत्री बनेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। बहुत बढ़िया जुगाड़ो बन गया है, सपा भी हारने के लिए कैंडिडेट घोषित कर चौदह में लड़े भी थे। बाबू जी कितना मिला था? 1,35,000। उसे घटा देंगे हम, बढ़ने नहीं देंगे। उससे बढ़ेगा नहीं, देख लीजिएगा। और बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं। सपा की गले की फांस बना दिए। अब आप समझ गए होंगे। उधर आती है 20 सीट लोकसभा की चुनित कर लो, प्रधानमंत्री जी की सीट को छोड़ के सबसे ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो हम मंत्री बना करके भेज देंगे। अब आप समझ सकते हैं। अब वैसे भी पार्टी कोटा में तो है ये है कि नहीं है? हम जुगाड़ बहुत सही बैठा है। तो हमारा जुगाड़ एकदम सटीक है। तो आपको एमपी नहीं मिलेगा, जो सरकार बनेगी उसके बाद आपको मंत्री मिलेगा।
एसपी विधायक अभय सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने अब अभय सिंह को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है। अब अभय सिंह की सुरक्षा में सीआरपीएफ के 8 जवान तैनात होंगे, 5 जवान घर पर सुरक्षा करेंगे और 3 जवान विधायक अभय सिंह के साथ चलेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई है। अभय सिंह अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव में अभय सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी को केजरीवाल की 6 दिनों की रिमांड मिली है। अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। 6 दिन तक शराब नीति केस में केजरीवाल से पूछताछ होगी। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान भी सामने आया। इसे लेकर केजरीवाल पर खुलासा गंभीर है, सभी दस्तावेज दिल को दहला देने वाले हैं, ये कहना है स्मृति ईरानी का। केजरीवाल ने शराब नीति बनाई, दस्तावेजों के जरिए तथ्य सामने आए और केजरीवाल के वकील ने कुछ नहीं कहा। शुचिता का हवाला देने का ब्यौरा भी यहां पर देने के लिए कहा गया। केजरीवाल की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया। ये सभी बातें स्मृति ईरानी ने कही हैं। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने खालिद नाम के एक शातिर बदमाश पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने खालिद का 25 लाख रुपए का एक मकान जब्त किया। शातिर बदमाश गोकशी सहित 18 मुकदमों में वांछित है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अनाउंसमेंट करते हुए चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति जब्त किए गए मकान के साथ कोई भी छेड़खानी करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर कोतवाली क्षेत्र के खालापार में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आज थाना क्षेत्र कोतवाली के खालापार में गुल्लर वाली गली में श्रीमान डीएम महोदय के निर्देशानुसार एक सातिर गोकस खालिद पुत्र शमशाद, ये जो सातिर किस्म का गोकस है, इसके जो अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति है, ये प्रशासन को पता चला था कि इसके द्वारा एक मकान अपराध करके और अवैध रूप से अर्जित किया गया है, जिसको नियमानुसार प्रक्रिया के तहत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क के आदेश किए गए थे और उसी के क्रम में आज यहाँ मौके पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इस मकान को सीलबंद किया जा रहा है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का रहने वाले संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ दायर हुई है चार्जशीट। संदिग्ध आतंकियों ने कई वीवीआईपी रूट्स की रेकी की थी, राजस्थान में बम बनाकर टेस्ट किया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला आरोपी
मोहम्मद रिजवान अशरफ और उत्तराखंड के देहरादून निवासी मोहम्मद अशरफ वासी, झारखंड का शाहनवाज आलम के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने तफ्तीश के दौरान मिले सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर चार्जशीट दायर की है। ये चार्जशीट दिल्ली के पटियाला कोर्ट में दायर की गई है। चार्जशीट में साथियों के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रचने, आतंकी गतिविधियों के लिए फंड की व्यवस्था करने, अवैध तौर पर हथियारों और गोला बारूद को इकट्ठा करने की साजिश का जिक्र किया गया है। मिर्जापुर पुलिस ने शादी के नाम पर बुलाकर परिवार से जबरन पैसे वसूलने वाले गैंग का खुलासा किया है। गैंग से जुड़े लोग कुंवारी लड़कों और उसके परिवार को बुलाया करते थे। यहां पर लड़की दिखाकर उन्हें फंसाया जाता था और बाद में परिवार से लूटपाट किया करते थे। पुलिस ने गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर राजगढ़ के शाहगंज रोड पर दबिश देकर गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गए लोग मिर्जापुर और सोनभद्र के रहने वाले बताए गए। अभी 9 अभियुक्त इसमें हम लोगों को मिले हैं। इन लोगों ने कई लोगों के साथ इस तरह की ठगी की है। ये गैंग बनाकर एक प्रेजेंट करते हैं कि हाँ, हम शादी कराने के लिए एक लड़की है हमारे यहाँ। लड़के वालों को बुलवाया जाता है। इसमें एक हरिचरण नाम का व्यक्ति है जो कि हमीरपुर का है, जो बिचौलिया का काम करता है, दोनों का संपर्क कराता है। फिर जब व्यक्ति जो लड़के वाले यहाँ पर आ जाते हैं, फिर उनको ये बंधक बना लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। बांदा पुलिस ने अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जंगल में बने एक खेत में छापेमारी की। 180 लीटर शराब और भारी मात्रा में लाहन बरामद यहां पर किया गया है। शराब बना रखे 2 लोगों में एक शख्स गिरफ्तार हुआ, एक भागने में कामयाब हुआ। पूरा मामला अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के गोखिया का बताया गया। कल दिनांक 21/3/24 को मुखबिर खास की सूचना पर SHO अतर्रा एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा अतर्रा क्षेत्र के ग्राम गोखिया में रामचंद्र तिवारी के पुरवा के यहां दबिश दी गई। मौके से अवैध एवं अमिश्रित शराब बनाते हुए एक अभियुक्त शिवलाल तिवारी को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं। खबर चित्रकूट से है, जहां पर पुलिस ने किराए का ट्रैक्टर लेकर गायब करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक के पास से 6 ट्रैक्टर और एक ट्राली बरामद की गई है। मामला बरगढ़ थाना क्षेत्र के सेमरा गांव का है। 19 मार्च को हिमांशु सिंह नाम के व्यक्ति ने बरगढ़ थाने की पुलिस को सूचना दी कि प्रयागराज के शंकरगढ़ के रहने वाले कमल सिंह के बाला द्विवेदी नाम के 2 व्यक्तियों ने उसका ट्रैक्टर और ट्रॉली 24,000 रुपए प्रतिमाह के किराए में एग्रीमेंट कराकर ले गए थे। कई महीने बीत जाने के बाद भी न किराया दिया गया, न उसका ट्रैक्टर ट्रॉली वापस किया गया, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कमल सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोगों को बेवकूफ बनाकर किराए में ट्रैक्टर ले लेते हैं और उन्हें बेच देते थे। ट्रैक्टर ट्राली उन्होंने काट करके बेच दी। इस बारे में अभी विवेचना से और तथ्य आने शामिल हैं। दूसरे अभियुक्त की तलाश है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्होंने जिस तरह से ये अपराध किया है भोले भाले किसानों के खिलाफ, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जाएगी। और अगर इसके अलावा इन्होंने अपराध से कोई और संपत्ति अर्जित की तो उसकी कुर्की भी कराई जाएगी। और अगली खबर गाजीपुर से, जहां पर होली के मद्देनजर मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन जारी है। FSDA की टीम ने सरसों के तेल के व्यापारी के गोदाम में छापेमारी की। टीम ने मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मछली बाजार में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने 347 टिन सरसों तेल रिफाइंड ऑयल जब्त किया। विभाग ने मिलावटखोरी के आरोप में व्यापारी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
पश्चात हम लोग जो मौके पर गए, वहाँ जो है एक गाड़ी में सामान निकल भी रहा था और उनके यहाँ जो है काफी मात्रा में भरा हुआ तेल पाया गया, ऑयल का भरा गया, और इनके यहाँ से लगभग जो है 347 टिन जो है तेल भरा हुआ था जो 5205 लीटर है और इसकी अनुमानित मूल्य जो है 6,17,310 रुपया है। सीज करके उनकी अभिरक्षा में दे दिया गया, नमूना जांच के लिए लखनऊ लग भेज दिया। आगरा में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर पुलिस को सूचना मिली थी कि लाखों रुपए की अफीम आगरा में तस्करी के लिए लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने चेकिंग के दौरान 3 अफीम तस्करों को अरेस्ट कर लिया। तस्करों के पास से लगभग 60 लाख रुपए की अफीम बरामद हुई है। गैंग का मास्टरमाइंड अभी फरार चल रहा है। देखिए, दिनांक 21-3-2024 को एसीपी सदर और सीओ एएनटीएफ के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक अफीम और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग में कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तीनों आगरा के ही रहने वाले हैं। इनके पास से 6 किलो 120 ग्राम अफीम बरामद हुई और जिसकी बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपए अनुमानित है। इनके पास से एक घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिस पर ये कैरी करके ले जा रहे थे, 3 मोबाइल फोन, 1 आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बरामद हुआ। तीनों अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और आवश्यक योजनात्मक कार्रवाई करती है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।